I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaskar. Very happy new year to each one of you and thank you so much. Tahe dil se abhar shukriya aap sab ka pyar dene ke liye aur aap sab ki is izzat afzai ke liye. Aap itna sab kuch likhte ho, main padh ke aur I feel humbled, I feel grateful. And my heartfelt gratitude to each one of you. तहे दिल से शुक्रिया. भगवान करे आपका आने वाला साल आपके अंदर नया जोश भरे, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए. आप अपने आप की डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ ऐसा करें जिसे करने से आप खुद से, आपकी सोल हैप्पी हो और आप खुद से हैप्पी हों. आज की वीडियो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है अगेन. And we were discussing about what is it that's going to happen in the year 2022 for those who are born on number 4. Number 4 means either you are born on 4th or you are born on 13th or else you are born on 22nd of any month. So that is how we take it up as number 4. आप में से कुछ लोग ये भी कहोगे कि मैम ज़्यादा देर नहीं हो गई, पर मुझे एक बात बताओ, बर्थडे वाले दिन तो सारे विश करते हैं लेकिन बर्थडे के बाद तक भी जो आपको याद रखता है और कई दिनों तक आपसे बात करता है, आपको बार बार नॉक नॉक करके चीज़ें याद दिलाता है, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है? सो हमने सोचा फर्स्ट तक पढ़ लिया, सब कुछ ओवर हो गया. बट कहते हैं ना, फर्स्ट ग्लांस में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सिंक अंदर तक वही करती हैं जो हमें इत्मीनान से चीज़ें सिखाती हैं. सो आज की वीडियो नंबर 4 के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस पूरे वीक में मैं सारी की सारी रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ. बिकॉज अब मेरी विंटर वेकेशन है फॉर अबाउट अ वीक्स टाइम एंड देन आफ्टर दैट अगेन आई विल बी बैक टू माय वर्क. सो नंबर 4, व्हाट इज इट दैट्स गोइंग टू बी डूइंग इन दिस ईयर 2022. नंबर 1, 2 एंड 3 की हम बात कर चुके हैं. 4 नंबर कहा जाता है राहु के लिए और 4 नंबर वाले लोग बहुत अनप्रडिक्टेबल होते हैं. दे टेक सडन डिसीजंस, यू नो, आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक से ऐसे वाले लोगों को लगता है. और मतलब आपको वो कहते हैं ना, धप्पा करने की आदत होती है या आपको बहुत अच्छे वाले सरप्राइजेस देने की आदत होती है और आप अचानक से अपनी चीज़ें करते हो. सिमिलरली आप बहुत प्यारे इंसान होते हो बिकॉज आप जेन्युइनली कंसर्न्ड होते हो सबके लिए. आपके अंदर वो जेन्युइन कंसर्न होता है हमेशा एंड यू आर ऑलवेज एवर रेडी टू हेल्प. आपको हमेशा लगता है कि चीज़ों को आगे बढ़ के हेल्प करने में जो आपको अंदर से अंदरूनी मज़ा आता है, खुशी मिलती है, वो बाकी किसी नंबर वाले को नहीं मिलती जितनी आपको मिलती है. Also, you are 2 steps ahead of others because जब तक लोग सोच ही रहे होते हैं आपके दिमाग में चल चुका होता है कि मैंने अपना course of action ये रखना है और मैं पूरा करके mentally you are already prepared and understanding of what you are wanna going to do for the next thing. So अपने time से आप बहुत आगे होते हो, अपने काम करने के उसमें बहुत आगे होते हो. कई बार बहुत जल्दी करते हो, sudden चीज़ें करते हो, unpredictable होती हैं, वही चीज़ें आपको कई बार परेशान भी कर जाती हैं. ओके, सो आज की वीडियो में हम 4 बातें करेंगे. जैसे मैंने 1, 2, 3 के लिए बोला है, हम करियर की बात करेंगे, हम मैरिज की बात करेंगे, रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, अनदर थिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट मनी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेल्थ की भी बात करेंगे. इनफैक्ट हेल्थ की तो बात मुझे सबसे पहले करनी चाहिए. गुड हेल्थ ओनली यू आर एबल टू डू सो मेनी अदर थिंग्स. सो वॉट इज इट दैट्स गोइंग टू हैपन इन द ईयर 2022. अब अगर देखा जाए तो 2022 दो के बाद 0 और फिर से 2 है, तो कहीं ना कहीं तो 4 का आसपास में है. एक तो पहली सिमिलैरिटी, आप 6 इज़ एन इवन नंबर, 4 इज़ एन इवन नंबर, चलो जी दोनों इवन नंबर्स हो गए, हैप्पी. 2022 में लास्ट में 2 आ गया तो दैट 2 ऑल्सो यू विल फील हैप्पी कि यार ठीक है ना, अगर मैं लिख भी रहा हूँ तो मैं यू नो, आज की अगर मैं डेट डालती हूँ तो 3rd January डाल के 22 डालूँ तो मेरे को तो 2 हो गया, मेरा तो नंबर 4 हो गया. दैट इज़ हाउ आई परहैप्स थिंक अबाउट इट, राइट? बट दोज थिंग्स आर डिफरेंट नाउ व्हेन इट टॉक्स अबाउट नंबर्स एंड न्यूमरोलॉजी. सो 2022 इज़ अ फेमिनिन नंबर, 4 नंबर इज़ नॉट अ फेमिनिन नंबर. ऑल राइट, सो पहली तो डिफरेंस ही आ गई. अब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, हम बात करेंगे सबसे पहले करियर की. बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, ऑल्सो आई विल टेल यू, हमेशा ध्यान रखना 12 महीने एक जैसे नहीं होते, हर दिन एक जैसे नहीं होते. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी हम फोरकास्ट पढ़ते हैं हमें समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी होने वाली हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए एवरेज होने वाली हैं और कुछ चीज़ें शायद इतनी अच्छी भी नहीं होने वाली हैं. बट हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना होता है और थोड़ा सा चीज़ों को सोचते हुए इस तरह करना होता है कि क्या हमारे साथ अच्छा है और हम किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हैं.
सो कमिंग टू द करियर, करियर में मोमेंट है, ग्रेजुअल है. चार दो आप अनप्रडिक्टेबल हो, आप सडन चीज़ें करते हो, बट इस साल चीज़ें सडनली नहीं होंगी, ग्रेजुअली होंगी और आपको दिखेगा. सो बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर टू द एंड ऑफ द ईयर ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा. थोड़ा सा क्या मैं बोलूँगी, अपने आप का पेशेंस ख़त्म नहीं करोगे. जैसे आपको हर चीज़ करने की जल्दी होती है, आप बहुत जल्दी से ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो, उस वाले पॉइंट पे आपको थोड़ी लगाम देनी पड़ेगी. यू विल हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, यू विल हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू विल हैव टू ट्रस्ट द टाइमिंग्स ऑफ द यूनिवर्स. बिकॉज अगर आप इस तरह से नहीं ट्रस्ट करोगे तो आप अपनी चीज़ों को खुद से ख़राब कर डालोगे, राइट? एट टाइम्स वो कहते हैं ना, जल्दी वाला, जैसे जल्दी हम खाना बनाएं तो वो उतना टेस्टी नहीं बनता या उसमें वो स्वाद नहीं आता. तो आप करियर में भी जब अगर कुछ बहुत जल्दी से करना इसके सोचने लगोगे तो वो जल्दी वाला काम कामयाबी को नहीं देगा आपको. आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट करना है. जून के बाद चीज़ें ज़्यादा बेटर होने लगेंगी, जून तक चीज़ें ग्रेजुअली चलेंगी. सो हैव दैट फेथ. बिजनेस के लिए भी एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, मोर देन द रिवॉर्ड्स. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी, आप प्लीज़ जल्दी नहीं मचाइएगा. एडवाइस आपको वही मैं कहूँगी, पहली नंबर वन कि हैव फेथ इन द यूनिवर्स. सेकेंड, डोंट लाई. कई बार आप कुछ सिचुएशंस में छुपाने के लिए या कुछ सिचुएशंस को ठीक रहने के लिए आप अक्सर झूठ बोल देते हो या झूठ का सहारा लेते हो, जिसके लिए आप मानते हो कि ये झूठ किसी की अगर हेल्प की जाए तो वो झूठ नहीं है, लेकिन वो झूठ आपके लिए उल्टा पड़ सकता है. सो ट्राई, आप कोई भी बात ना ही बोले झूठ बोलने की बजाय, आई सजेस्ट ना ही बोले तो बेटर रहेगा आपके लिए. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, क्योंकि चार नंबर है और लास्ट में डबल टू भी है, तो टू टू मीन्स टूज. सो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग इन टीम्स. आप अकेले काम नहीं करिएगा, प्लीज़ कोशिश करिएगा ग्रुप में काम करने की, जुड़ाव में काम करने की, एक साथ मिलकर काम करने की. अकेले अगर आप सोचेंगे कि मैं तो ये अकेला ही कर सकता हूँ, कर तो सकते हैं, बट शायद आपको ज़्यादा कामयाबी तब मिलेगी जब आप एक साथ काम करेंगे. अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, मैरिज. Now, according to marriage or else relationships, if you talk about, so relationships में थोड़ा taxing रहेगा, mental peace थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला है, hectic भी रहेगा, because आप और बहुत सी चीज़ों में involved होगे, तो आपके लिए थोड़ा कम time रहेगा relationships को देने के लिए. आप mentally इतना engaged रहोगे कि आपके लिए family को देने के लिए time थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इस साल आपसे मेहनत थोड़ी ज़्यादा कराई जा रही है. आपके जीवन में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स भी हैं, कुछ पुराने रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं और कुछ नए रिश्ते बन भी सकते हैं. उसके अलावा फैमिली के साथ समय थोड़ा कम दे पाएंगे, कोशिश करके भी कम दे पाएंगे, क्योंकि आप काम में ज़्यादा बिजी रहेंगे. अनदर थिंग इज़, आपसे एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट फिर करूँगी, इस वाले में एडवाइस है मेरी कि आप प्लीज़ रॉन्ग एडिक्शंस को ख़त्म कीजिए. नाउ रॉन्ग एडिक्शंस कैन बी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एडिक्शंस यू आर इनटू, बट दोज एडिक्शंस हैव टू बी स्टॉप्ड. सम वे डाउन द लाइन यू विल हैव टू टेल योरसेल्फ कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, और ये आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं. हाँ, एक बहुत अच्छी बात होगी, इस साल अपने आप से ही जो आपके लीथल कनेक्शंस हैं, जो आपके आप ऐसे कनेक्शंस हैं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं या बुरा, दे फील बैड अबाउट यू, और दे इंडल्जेंट टू समथिंग विच इज़ बैड विद यू, और इंडल्जेंट टू समथिंग, और दे थॉट प्रोसेस इज समथिंग जो आपको तंग करता हो, वो रिश्ते आपके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इस साल नई बिगनिंग्स का टाइम है. कुछ रिश्तों को आपको थैंक यू करने में ही आपकी भलाई है और आपके लिए अच्छाई है. ओके, सो इसमें एडवाइस क्या मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बोला एडिक्शंस को ख़त्म करिएगा. सेकेंडली, अगर बाई चांस इफ़ यू टेक लिकर और इफ़ यू आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, आई विल सीरियसली सजेस्ट यू नॉट टू हैव दैट, स्पेशली तीन दिनों में, ट्यूजडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज. ये तीन दिन के लिए इसके पीछे रीज़न है. ट्यूजडेज एंड थर्सडेज हम गुरु की बात करते हैं, थर्सडेज हम फैमिली की भी बात करते हैं, हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, हम रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, एंड ट्यूजडेज अगेन इज़ फॉर हार्ट. सो नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दीज थ्री, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एडिक्शंस को इन तीन दिनों में, तो वैसे तो मैं कहूँगी बिल्कुल ही नहीं, लेकिन इन तीन दिनों के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं, बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए कि मैंने इन तीन दिन में तो कुछ भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना, लिकर नहीं लेना, या मैंने इस तरह से कुछ भी नहीं सोचना जो मेरे लिए
somehow it could trouble me. Okay. Now I come to the third important point, which is your money. How is money going to be? Money, अगर आप number 4 हैं, लेकिन आप उन professions में हैं जो number 6 के साथ हैं, वो वाले professions में आप बहुत अच्छा करेंगे और उन professions में आपको बहुत पैसा भी आएगा. कौन से हैं वो professions? They are the professions of being an astrologer. They are the professions. मैं number 4 नहीं हूँ, though I am happily reading it. I am number combination of 3 and 9. So number 4 के profession में, the number 4 people who are in the profession of being an astrologer or a numerologist or a tarot reader or a healer, or you know, they are into spirituality, or they are into music, or they are into something related to technology, wo sare log bahut acha karne wale hain is saal, kyunki unke liye ye wala particular year money wise abundant hone wala hai. Ha, aisa to rahega ki kabhi achanak se windfall hoga, because aap 4 number se governed hai, rahu se governed hai, to achanak se aapko lagega that in for one particular month बहुत सा विंडफॉल हुआ मनी का, अनदर मंथ इट वॉज लाइक ल्यूक वॉर्म, एंड अनदर मंथ इट वॉज सो सडन काइंड ऑफ स्पर्स वुड बी देयर इन विच यू विल गेट मनी. अचानक से मिलेगी और बहुत सारी मिलेगी, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली हर महीने नहीं मिलेगी. दैट्स देयर लाइक सूरज की धूप सारा नहीं दिन भर रहती है, कभी हल्की कभी बादल आ जाते हैं, कभी तेज़ हो जाती है. सो सिमिलरली इट विल बी लाइक दैट. सो मिक्स एंड मैच रहेगा आपका. इसके लिए एक सजेशन यही है कि आपको दो ग्रे कलर इज़ वन ऑफ योर कलर्स, ब्लू कलर्स इज़ वन ऑफ योर कलर्स, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वेयर द लाइटर शेड्स. तो आप ब्लू का लाइटर शेड पहन सकते हो, आप येलो के लाइटर शेड्स पहन सकते हो, आप क्रीम कलर्स पहन सकते हो. सो डोंट ट्राई एंड वेयर डार्क कलर्स विच विल इंड्यूस अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस इन टू यू. नाउ आई टॉक अबाउट द लास्ट आस्पेक्ट ऑफ दिस, एंड द लास्ट आस्पेक्ट इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर हेल्थ. तो हेल्थ कैसे रहने वाली है? हेल्थ के मामले में अगर आप मुझसे पूछोगे तो 2-3 महीने हैं जो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए हेल्थ वाइज, वो है फरवरी, सितंबर एंड नवंबर. और कुछ मंथ्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं. दे विल बी लाइक ल्यूकवर्म काइंड ऑफ अ थिंग, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन जस्ट बिकॉज आप स्पर ऑफ द मिनट में आपका गुस्सा और आपकी अशांति, या आपके अंदर जो एक्सेप्टेंस की भावना है, आई शुड पुट इट करेक्टली, कि आपके अंदर जल्दी से चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती हैं. सो योर एक्सेप्टेंस, यू लैक एक्सेप्टेंस. सो जहाँ जहाँ आपकी एक्सेप्टेंस आप लैक करोगे, वहीं मेंटल एग्नी शुरू हो जाएगी, एंड मेंटल एग्नी ऑलवेज लीड्स टू मोस्ट ऑफ द डिजीजेज इन आर लाइफ. तो जब जब आपको लगे कि आपकी कोई भी बीमारी आपको तंग कर रही है, तो सबसे पहले अपने पीस ऑफ माइंड पे काम करिएगा. दैट्स द बिगेस्ट टिप विच आई कैन गिव यू स्पेशली फॉर दिस ईयर, ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी ना बढ़े, आपको शुगर या कोलेस्ट्रॉल की इशू भी नहीं हो. उसके लिए ओनली एंड दी ओनली वे आउट इज़ कि आपको अपने दिमाग को शांत रखना है. और आप दिमाग को कैसे शांत रखेंगे? मेडिटेशन से. अब आप कहोगे हमसे बिल्कुल मेडिटेशन नहीं लगती, 4 नंबर वालों से मेडिटेशन बहुत कम लगती है. अच्छा चलो, आप मेडिटेट नहीं कर सकते, आप कोई सा चैंट चला के आँख बंद करके थोड़ी देर तो बैठ सकते हैं. मुझे मालूम है आपको म्यूज़िक का बहुत शौक है, मुझे मालूम है आपको यू नो म्यूज़िक फुल ऑफ लाइफ बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट कांट यू जस्ट डू वन थिंग एंड दैट यू मेडिटेट? इफ नॉट दैट, जस्ट लिसन टू एनी चैंट्स मॉर्निंग इवनिंग, स्पेशली सोने से पहले या सवेरे उठ के. सवेरे सुनोगे तो आपका दिन बहुत हद तक अच्छा जाने वाला है, और रात को सुनोगे तो आपको अच्छी नींद आने वाली है. तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, और दोनों टाइम भी कर सकते हो, देयर इज नो हार्म इन इट. एंड ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यही कह पाऊँगी. पॉजिटिव ऑरा लोगों का, उसकी तरफ तवज्जो दो, और उनको देखते हुए अप्रिशिएट दैट. आप अपनी ज़बान से जितना अप्रिशिएट चीज़ों को करेंगे, वो वापस आपके पास अप्रिसिएशन में ही आएंगी. आप जितनी गलतियां निकालेंगे दूसरों के बीच में और खुद परेशान होंगे उनकी गलतियां निकाल के, वो परेशानियां आपको खुद से तंग करेंगी. तो बेटर ये नहीं है कि हम उन गलतियों को और उन परेशानियों को अपने माइंड तक आने ही ना दें, इस माइंड को गवर्न करने ही ना दें? कोशिश करके देखिएगा, और हाँ, बहुत सारा पानी पीते रहिएगा, मन शांत रहेगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच वंस अगैन. और ये परिवार बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट टचिंग 35,000, एंड नो वर्ड्स, एक्चुअली नो वर्ड्स. इट्स अ मिरेकल, इट्स अबंडेंस व्हाट गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस ऑल. एंड मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है जब आप दुनिया भर से मुझे इतने सारे कमेंट्स करते हो, इतनी मेरी हौसला अफजाई करते हो. हाँ, और मुझे बहुत सारे सजेशंस भी देते हो इन टर्म्स ऑफ हाउ आई कैन इम्प्रूव एंड हाउ आई कैन वर्क अपॉन इट.
हर चीज़ के लिए आपका समय निकाल के अपनी लाइफ में से चार शब्द लिखने के लिए, दो लाइन सेंटेंस लिखने के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत सारा आभार. थैंक यू वंस अगेन एंड मे दिस ईयर ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.